bitch will be a fan when I start rapping. Way I'll have your fucking head spinning. I'm known as spit vicious, release bombs and go tick tick boom. You blown me that head missing. I'm a phenomenon, stacking cheese like it's parmesan. Eight different flows, call me Octomom. I'm moving fast like. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं ऑल न्यू अपकमिंग 125cc प्रोडक्ट फ्रॉम यामाहा। तो जैसे कि आपको पता होगा फ्रेंड्स, अभी आपको यामाहा की तरफ से एक भी 125cc सेगमेंट का प्रोडक्ट देखने को नहीं मिलता है इंडियन मार्केट में। बट फ्रेंड्स, अभी जिस हिसाब से यहाँ पे पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, लोग जो है वो ज़्यादातर 150-160 सेगमेंट को छोड़ के यहाँ पे 125cc सेगमेंट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। और 125cc सेगमेंट में डिमांड भी अभी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। जब से यहाँ पे TVS ने अपनी रेडर 125 को लॉन्च किया, तब से यहाँ पे फीचर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगा है 125cc सेगमेंट में। और जल्दी फ्रेंड्स, यहाँ पे यामाहा भी जो है 125cc सेगमेंट में एक बिल्कुल ही न्यू प्रोडक्ट को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाला है। तो आज उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि कब तक देखने को मिल जाएगा ये बाइक, और क्या कुछ फ्रेंड्स इसका प्राइसिंग वगैरह रह सकता है, कंपनी क्या क्या फीचर्स में आपको ऑफर कर सकती है। तो अगर आप भी एक न्यू बाइक परचेस करने का प्लान बना रहे थे, तो आप आज के इस वीडियो को देख ले, आपकी सभी डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं यहाँ पे बाइक के इंजन के बारे में। तो इसमें आपको बिल्कुल ही न्यू इंजन मिलेगा, 124.4cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्टॉक एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन कंपनी आपको इसमें ऑफर करेगी। पावर जो है इस बाइक का वो लगभग में 11 BHP के अप्रॉक्स में रहेगा, और टॉर्क यहाँ पे 12 Nm के आसपास में आपको देखने को मिल सकता है। ये जो बाइक है, ये 5-स्पीड गियरबॉक्स सेटअप के साथ आपको देखने को मिलेगी। इसमें जो लाइटिंग सेटअप है, वो यहाँ पे फुल्ली LED लाइट्स के साथ बाइक आपका आ जाएगी। इसमें फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल आपको मिलेगा, जिसमें कि आपको बेसिक फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे कि गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर वगैरह हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे फ्रेंड्स, आपको RPM मीटर वगैरह मिल जाएगा। कनेक्टिविटी फीचर्स वगैरह का काफ़ी कम उम्मीद है, क्योंकि अगर वो सब फीचर कंपनी इसमें ऐड करती है, तो फिर प्राइसिंग जो है वो काफ़ी हायर साइड पर जा सकता है, जिससे कि ये बाइक फिर वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन शायद ना रहे। इसलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कनेक्टिविटी फीचर्स का चांसेस जो है वो काफ़ी कम है। अगर हम बात करते हैं ब्रेकिंग सेटअप के बारे में, तो यहाँ पे आपको फ्रंट में फ्रेंड्स डिस्क ब्रेक का ऑप्शन मिलेगा, रियर में ड्रम ब्रेक का ऑप्शन मिल जाएगा, और ये कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ आएगा CBS। इसमें आपको ABS नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से 125cc सेगमेंट में ABS जो है वो कंपलसरी नहीं किया गया है। तो उम्मीद यहाँ पे काफ़ी कम है कि कंपनी ABS यहाँ पे ऑफर करेगी, क्योंकि ABS ऐड करने से फिर प्राइसिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर हम बात करते हैं सस्पेंशन के बारे में, तो फ्रंट में यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक फोक्स, रियर में यहाँ पे आपको मोनोसॉक्स देखने को मिलेगा, जिससे कि इसका हायर स्पीड्स पर जो स्टेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अगर हम बात करते हैं इसके टायर प्रोफाइल वगैरह के बारे में, तो इसमें फ्रंट में आपको 100mm का टायर मिलेगा, जो कि 17-inch के अलॉय व्हील पर माउंट रहेगा। रेयर में यहाँ पे फ्रेंड्स आपको 130 सेक्शन का टायर कंपनी ऑफर कर सकती है। तो टायर वगैरह जो है वो काफ़ी वाइड रहने वाला है, जिससे कि आपको ग्रिप काफ़ी अच्छा मिलेगा बाइक में, मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बाइक में जो है वो ग्रिप नहीं है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ओवरऑल में डिज़ाइन एंड लुक्स के बारे में, तो यहाँ पे कंपनी आपको स्प्लिट में सीट प्रोवाइड करेगी, टैंक काउल आपको देखने को मिलेगा बिल्कुल ही न्यू डिज़ाइन का, और बाइक जो है वो माइलेज यहाँ पे लगभग मैं आपको 55-60 के अप्रॉक्स में ऑफर कर देगा, जो कि काफ़ी अच्छा माइलेज रहने वाला है 125cc सेगमेंट के हिसाब से। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स लुक्स के बारे में, तो लुक जो है वो यहाँ पे काफ़ी हद तक FZ से आपको इंस्पायर्ड देखने को मिलेगा। वर्जन 2 जो आती थी FZS की, उससे यहाँ पे इंस्पायर्ड कंपनी आपको लुक्स ऑफर कर सकती थी, जो कि काफ़ी स्पोर्टी भी लगता है और देखने में भी अच्छा है, और इसका रोड प्रेजेंस भी आपको अच्छा मिलेगा। अगर हम बात करते हैं इसके एक्सपेक्टेड प्राइसिंग के बारे में, तो इसका जो एक्सपेक्टेड शोरूम प्राइस है वो लगभग में यहाँ पे 95,000 रुपीज़ से लेकर 1 लाख रुपीज़ के अप्रॉक्स में रह सकता है। ऑन रोड ये बाइक आपको 1,10,000 रुपीज़ के आसपास देखने को मिलेगी, और इसका जो लॉन्च का चांसेस है वो 2022 के मिड तक है। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो वेट कर सकते हैं, या फिर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, आपको और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस अभी मिल जाते हैं फिलहाल में यहाँ पे मार्केट में। तो मिलते हैं आपसे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में बस यही था, तब तक के लिए आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स।